नमस्कार दोस्तों, अभी देखिए समय हो रहा है 2:49, 3 बजने वाला है, 2:50 हो रहा है और अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 34,270 के अराउंड। हम इसमें आज सेल करेंगे 34,300 का कॉल और 34,300 का पुट, लेकिन इनको सेल करने से पहले इन दोनों को हम बाय करेंगे। मैंने बास्केट ऑर्डर लगा रखा है, बास्केट ऑर्डर चलिए दिखा देता हूँ। ये बास्केट ऑर्डर मैंने लगा रखा है, इसे मैं एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ दोस्तों मैं इसे। ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं दिखा दूँगा, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो आपको दिखा दूँगा मैं। अभी देखिए इसमें हमारा अराउंड 1763 रुपीज़ के लॉस चल रहा है। ये देखिए जो हमने सेल किए हैं 34,300 का कॉल, 34,300 का पुट, इसमें कॉल में हमें 450 रुपये का लॉस और पुट में हमें प्रॉफिट 550 रुपये का। ये देखिए जो हमने बाय किए हैं इसमें 300 रुपये के अराउंड लॉस और इसमें 300 प्लस प्रॉफिट चल रहा है। कॉल में हमारा यहाँ पे 1300 रुपये लॉस चल रहा है और इसमें 1100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। देखेंगे इसमें हमारा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस बनेगा। यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए इसने 34,354 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पोजीशंस पे चलते हैं, पोजीशन देखिए कॉल हमारी सेल हुई है 393 रुपये पे और पुट हमारा सेल हुआ है 382 रुपये पे। इसमें देखिए अभी हमारा 436 रुपये का ट्रेड कर रहा है पुट कॉल, और पुट हमारा 340 रुपये पे आ चुका है गिर के पुट। कॉल में हमारा 1000 रुपये का यहाँ पे लॉस दिख रहा है और पुट में हमारा 947 950 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। ये जो कॉल हमने बाय किया है इसमें हमें 300 रुपये समथिंग प्रॉफिट दिख रहा है। ओवरऑल लॉस हमारा यहाँ पे 200 के अराउंड प्रॉफिट अभी दिखने लगा है। और टाइम भी देखिए 2:50 हो रहे हैं, 3:10 पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, तो उससे पहले ही मैं इसे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा जो भी प्रॉफिट इस लॉस होगा इसमें। इस ट्रेडल मैंने बनाया, अब बने रहिए वीडियो में दोस्तों। समय 2:53 और 3:10 पे पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, लेकिन मैं इसे 3:06 पे सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, तो ये वीडियो में डायरेक्ट रिकॉर्ड ही होने दूंगा। केवल 17 मिनट की बात है, 17 मिनट में देखते हैं हमारा लॉस या प्रॉफिट बनता है, जो भी बनेगा देखेंगे हम क्या होता है इसमें। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में सबसे मेन बात है टाइमिंग की, कि किस टाइम पे ऑप्शन सेल किया जाए जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिके का बेनिफिट मिल सके। तो आज एक टेस्ट करके देखा है मैंने, ये 2:50 पे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की है जिसमें स्ट्रेडल बनाया, सेम स्ट्राइक प्राइस के एट द मनी के कॉलर पुट दोनों को सेल किया है और देखते हैं कि इस 15 मिनट में हमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मैंने सिंगल लॉट सेल किया है। कुछ दोस्त हमारे इसमें कहेंगे कि जितना प्रॉफिट हुआ उतनी तो इसमें ब्रोकरेज कट जाएगी। हाँ ब्रोकरेज बिल्कुल कट जाएगी, इसमें 240 रुपये समथिंग ब्रोकरेज लगेगी, क्योंकि हमने 4 लॉट बाय किए हैं और 4 लॉट जब सेल करेंगे तो 8 ऑर्डर हो गए हमारे, तो 240 रुपये समथिंग तो हमारी ब्रोकरेज लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज देखने के बजाय आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लॉजिक हमारा सही रहा, तो क्वांटिटी बढ़ा के हमारा प्रॉफिट तो बढ़ ही सकता है। देखते हैं आज 15 मिनट हमारा कितना प्रॉफिट बनेगा, अभी 2:54 हो रहा है, आप बने रहिए वीडियो तो देखते हैं ये पोजीशन बनाने हमारा फंड कितना लगा है। एक मिनट, फंड्स पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए मार्जिन हमारा 30,000 इसमें यूटिलाइज हुआ है, 30,839 रुपये यानी 31,000 हमारा मार्जिन इसमें यूटिलाइज हुआ है। अवेलेबल कैश अभी हमारा 68,379 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। ओपनिंग बैलेंस हमारा 99,219 रुपीज़ है।
दोस्तों ये स्ट्रेटजी हमने 2:50 पे आज लगा के देखी है। ये हमने टेस्ट करके देख रहे हैं कि 2:50 से ये स्ट्रेटजी हम लगाते हैं और 3:05 तक अगर इसे हम अप्लाई करते हैं तो हमारा इस स्ट्रेटल में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, अभी इसमें हमें 200 के अराउंड प्रॉफिट दिख रहा है, अभी 100 पे आ चुका है। ये देखिए इसमें हमें 500-600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और इसमें 250 रुपये का लॉस हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो हमने बाय किए हैं इसमें 42 रुपये का प्रॉफिट, इसमें 250 रुपये का लॉस हो रहा है। हमारा कॉल में अराउंड प्रॉफिट हमारा 250 चल रहा है। ये देखिए जो कॉल हमने बाय की है इसमें 700 का प्रॉफिट और इसमें पुट में हमें 300 का लॉस। अगर हमने केवल स्ट्रेटजी बनाया होता, कॉल और पुट को ही सेल किया होता, इनको बाय हमने ना किया होता, तो यहाँ पे हमारा अराउंड 600 के अभी प्रॉफिट बन रहा होता। यानी कहने का मतलब ये है कि 2:50 से 3:05 तक ये स्ट्रेटजी में प्रॉफिट बनने के थोड़े चांस ज़्यादा रहते हैं। इस टाइम पे प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं टाइम डिके की वजह से, और वैसे भी आज मंगलवार है और मार्केट भी क्लोज होने वाली है, बस 3 मिनट का टाइम बचा है। देखते हैं इसमें मैक्सिमम हमारा कितना प्रॉफिट बन सकता है, और अभी 3 मिनट बचे हैं, 3:02 हो रहा है। मैं 3:05 पे हर हाल में पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। अभी देखिए प्रॉफिट हमारा अराउंड 300 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आप यहीं पे देखेंगे इसे। मैक्सिमम 400 रुपये हमारा प्रॉफिट क्रॉस कर चुका है यहाँ पे। ये देखिए कॉल में हमें 1600 रुपये का प्रॉफिट और इसमें 800 रुपये का लॉस। केवल हमने स्ट्रेटल बनाया था तो 800 का हमें भी प्रॉफिट हो रहा होता, अभी अराउंड हमारा 400 के प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें देखिए 400 लॉस चल रहा है, इसमें 47 का प्रॉफिट चल रहा है। दोस्तों 3:03 हो रहे हैं, 3:04 हो रहे हैं, पोजीशन एग्जिट करते हैं, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। पहले हम जो सेलिंग वाले हैं, सेलिंग वाले को हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जिट टू पोजीशन, फिर हम बाइंग वाले को एग्जिट करेंगे। बाइंग वाले इनको एग्जिट करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट हमारा बुक हुआ है इसमें। देखिए दोस्तों इसमें हमारा 327 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। ये स्ट्रेटजी आज हमने इम्प्लीमेंट की थी 2:50 से 3:04 तक, 3:04 तक हमने ये पोजीशन इम्प्लीमेंट की ये स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी में काफ़ी अच्छा मुझे लगा। अगर हमने केवल कॉल को सेल किया होता और पुट को सेल किया होता तो आप देख सकते हैं इसको हमने 1476 रुपये पे बुक किया प्रॉफिट और इसमें हमने 850 रुपये का लॉस बुक किया। ओवरऑल इसमें हमारा 800 प्रॉफिट बन जाता, यानी केवल 15 मिनट में हम केवल 800 रुपये का प्रॉफिट बना सकते थे। तो दोस्तों पूरे दिन ट्रेड करने से अच्छा है हम केवल 10-15 मिनट ट्रेड करें, और वो भी इस तरीके से करें जहाँ पर हमारी प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। पूरे दिन मार्केट में लगे रहने से, टाइम ख़राब करने से कुछ नहीं होता है। तो ये जो हमने आज एक टेस्ट करके देखा था, ये टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ। 15 मिनट में मार्केट कितनी भी ऊपर जाती नीचे जाती, फिर भी हम दोनों पोजीशन कवर अप रहते, क्योंकि दोनों का प्रीमियम देखा आपने। हमने अभी दिखा देते हैं कॉल को किस रेट पे सेल किया था। कॉल को देखिए हमने सेल किया था 393 रुपये पे, आप देख सकते हैं, और पुट को हमने सेल किया था
पुट हमने सेल किया था 382 रुपये पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें हमने 327 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। हमने सिंगल सिंगल लॉट सेल किए थे और सेल करने से पहले मार्जिन बेनिफिट के लिए हमने सिंगल सिंगल लॉट बाय किए थे। ब्रोकरेज हमारी इसमें 240 रुपये कटी। दोस्तों कल है बुधवार और कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।